हेलो गाइस, तो गाइस आज का जो वीडियो होगा वो जीएसटी के ऊपर होगा। ओके, बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कमेंट्स में कि जीएसटी कैसे बनाते हैं, यू नो चार्जेस क्या है, फ्री में बनता है कि नहीं, इजी है कि नहीं। ओके, तो आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देंगे कि जीएसटी कैसे बनता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जीएसटी फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता। ओके, बाहर से आप बनाते हैं तो लोग 200, 300, 500, 1000 चार्ज करते हैं जीएसटी रजिस्टर करने का। ओके, तो यहाँ से आप जीएसटी जो हम आपको प्रोसीजर बताएंगे आप फ्री में कर सकते हैं। तो गाइस कुछ डिस्क्लेमर्स देना चाहूँगा, जो जीएसटी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ओके, ये सिर्फ इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर के लिए है, ये कंपनी फर्म के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। ओके, इसके लिए आप किसी, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, सीए के पास जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये जो पूरा वीडियो होगा गाइस, ये ज़्यादा करके सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होगा, और जो स्विगी जोमेटोज में रजिस्टर करना चाहते हैं वो भी आराम से देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्लेमर ये है गाइस कि गाइस मैं कोई जीएसटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सीए हूँ, ना ही कोई लॉयर हूँ, ना ही गाइस मैं कोई लीगल टीम से हूँ। ओके, सो मैं आपको जो बताऊँगा वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में होगा, मैं आपको कोई जीएसटी के बारे में समझा नहीं रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ। ओके, सो आप प्लीज़ वीडियो को फॉलो करके आप अपना जीएसटी क्रिएट कीजिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा, कोई भी स्टेप अगर आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो मे बी शायद आपका जीएसटी में कुछ यू नो सेटिंग्स, आप मतलब जो इनपुट्स होते हैं वो आपके रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पर, आप इस पर क्लिक कीजिए, या फिर आप जो देख रहे हैं gst.gov.in, आप उस पर आइएगा, आपको ऐसा विंडो मिलेगा। सबसे पहले आपको मैं जल्दी से डॉक्यूमेंट्स बता दूँ, जो बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा कि कैसे आपको देखने, तो जल्दी से आपको बता देगा, गूगल पे जीएसटी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट लिखेंगे तो आप ये वेबसाइट पे आ सकते हैं, बजाज फिनसर्व की है, जो कुछ बता देता है, तो मैं आपको सिर्फ जल्दी से दिखा देते हैं। देखिएगा, नीचे आएंगे आप, आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए प्रोप्राइटरशिप एंड इंडिविजुअल्स के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट डिटेल्स, बस और कुछ भी नहीं चाहिए गाइस। ठीक है, सो इतने डॉक्यूमेंट्स से आप बना सकते हो, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। आपको वेबसाइट पे आना होगा, नीचे स्क्रॉल करना होगा, आपको टैक्स पेयर के सेक्शन पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। ओके, सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सो ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है। ओके, सो हम जल्दी से बता देते हैं। ओके, आई एम अ टैक्स पेयर आपको करना है। ठीक है, टैक्स पेयर के बाद आपको आपका स्टेट डालना है, हम महाराष्ट्र से है, डिस्ट्रिक्ट हमारा मुंबई सबर्बन है। अब यहाँ पे गाइज आपको वो नाम डालना है जो आपके पैन कार्ड में मेंशन है। ठीक है, सो बिकॉज अगर आपकी कंपनी है तो आपका, जैसे आपका कंपनी का पैन कार्ड है तो आपकी कंपनी के नाम का ही जीएसटी बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिएगा, बट मैं जैसा आपको बताया, मैं इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से बताऊँगा, तो उसमें आप पैन कार्ड का अपना आपका ही नाम होगा, तो जैसे कि आपका जो पैन कार्ड नाम है वो आप डाल दीजिएगा। तो गाइस नाम आपका एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, सो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये मैं आपको पूरी तरह करके नहीं बताऊँगा। ओके, बिकॉज हमारा ऑलरेडी जीएसटी है, हम दूसरा जीएसटी क्रिएट तो नहीं करेंगे। ओके, सो मैं आपको एंड तक पूरा बता दूँगा, बट मैं सबमिट नहीं करूँगा। ठीक है, सो गाइस पैन नंबर के बाद गाइस आपका ईमेल एड्रेस आता है, ईमेल एड्रेस में आपको वही ईमेल डालना है गाइस जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। ओके, बिकॉज आप जो भी जीएसटी फाइल करते हो वो आपको यहाँ पे इंटीमेशन आते रहते हैं, अगर आपकी डेट मिस होती है, कुछ भी होता है गाइस, सारी चीज़ आपके रिपोर्ट्स होती है, जो भी आपका जो भी कुछ होता है आपको ये ईमेल एड्रेस पे आता है। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ये मैंडेटरी है क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम अपना एक ऑल्टरनेट नंबर डाल रहे हैं। ओके, बिकॉज हम अपना मेन नंबर डालेंगे तो शायद वो नहीं बनेगा। ओके, तो गाइस जैसे आप यहाँ पे आते हैं आपको मोबाइल पे ओटीपी आता है और ईमेल पे ओटीपी आता है, आपको दोनों डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर रहे हैं, हम आपको बता देते हैं। तो गाइस जैसे आप ओटीपी डाल देते हैं आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये लोड होगा,
और फिर वो मेन फॉर्म पे आ जाएगा। ओके, फिर हम आपको दिखा देते कि कैसे आप वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको आएगा सी यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और आपको ये TRN नंबर आएगा। ठीक है, सो गाइस ये TRN नंबर जो आपको होता है 15 डेज तक के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो मतलब 15 डेज के अंदर ही अंदर आप ये पूरा फॉर्म आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हम TRN नंबर को कॉपी कर लेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हो ना गाइस, आप नेक्स्ट टाइम आते हो ना, तो आपको यहाँ पे वापस आना है रजिस्ट्रेशन पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ओके, तो जैसे कि आप कुछ पार्ट छोड़ देते हैं या फिर इनकम्प्लीट छोड़ के नेक्स्ट टाइम से आप करना चाहते हो, तो आपको गाइस TRN पे क्लिक करना होगा, टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर आपको पेस्ट करना होगा और आपको कैप्चा डालना होगा। ठीक है, इसके बाद एक OTP आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल और दोनों पे एक OTP आया है, कहीं से भी आप देख के OTP डाल सकते हो। तो गाइस जैसे आप TRN नंबर और OTP डालते हैं, ओके, तो आपको वो इस तरीके का बताएगा, आपको एक्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे ड्राफ्ट के उस पर। तो गाइस जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो गाइस आपको ये मेन पेज आएगा, ये एग्जैक्टली पूरा फॉर्म है। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत इजी है। ओके, जो नॉर्मल डिटेल्स होती है एक फॉर्म पे वही है, सेम एग्जैक्टली वही है। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हो उसको। तो ये जो है गाइस, यहाँ पे ये ऊपर का जो कॉलम ऑलरेडी प्रीफिल्ड होगा, यहाँ पे गाइस आपको आपका ट्रेड नेम लिखना है। ओके, ट्रेड नेम मतलब गाइस जो भी मेरा अगर रेस्टोरेंट नेम है, कुछ भी है। ओके, अगर मेरा रेस्टोरेंट है, ई कॉमर्स है, कुछ भी है, मेरी कोई छोटी सी कंपनी है गाइस, तो वो इस तरीके से मैं यहाँ पे करूँगा। मैं यहाँ पे ट्रेड नेम में वही लिखूँगा जो मेरा रेस्टोरेंट नेम है या फिर मेरे जो भी कंपनी का नाम है। ओके, अगर मेरा बिजनेस मेरे नाम से है, जो भी नाम से है, मुझे वो डालना होगा। यहाँ पे मुझे प्रोप्राइटरशिप पे सिलेक्ट करना होगा, अगर आपका पार्टनरशिप है जो भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको प्रोप्राइटरशिप का ही बताऊँगा, इंडिविजुअल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये प्रीफिल्ड होता है ऑलरेडी, तो जो भी आप पहले सिलेक्ट करते हो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है, ये दो में कुछ मत कीजिएगा। तो रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आपको क्यों चाहिए GST, वो आपको डालना होता है। ठीक है, अगर आपका पर्पस रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड है, कुछ भी है, तो आप अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हैं आपका रीज़न। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करते हैं, खुद की वेबसाइट, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर डालना होगा। अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कुछ भी ऐसा करते हैं, ओके, थर्ड पार्टी का, तो आपको गाइस ई कॉमर्स पोर्टल पे, यहाँ पे सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद गाइस डेट ऑफ कमेंसमेंट आज का ही डाल दीजिए, अगर आपका बिजनेस पहले से स्टार्ट है वो डाल दीजिए, मैं आज का ही डाल देता हूँ। अगर ये आज का है गाइस, तो लाइबिलिटीज़ भी मेरी आज से ही स्टार्ट होगी, ऐसा है। ठीक है, तो आपको ये इतना सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अगर आपका एग्जिस्टिंग कुछ भी GST है, अगर पहले का कुछ भी, क्योंकि आप ज़्यादा GST रख सकते हो गाइस, क्योंकि आपके अलग अलग ज़्यादा अगर बिजनेसेस है तो उसके हिसाब से आपके अलग अलग GST हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही GST में आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर आपका, जैसे कि अगर आपका गुमास्ता है, कुछ भी अगर आपका ऑलरेडी है, तो आप वो सिलेक्ट करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपका कुछ भी नहीं है गाइस, तो आपको कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, कैंसिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। तो गाइस जैसे आप नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ओके, तो सेकंड हमारा टाइप आता है गाइस पर्सनल डिटेल्स का। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज इसके बाद जो होता है वो सब बिजनेस के ऊपर रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके सारे पर्सनल डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम आपके ऑलरेडी प्रीफिल्ड होते हैं। चलो हम डाल देते हैं, अभी फर्स्ट नेम हम डाल देंगे शाहरुख। ओके, सेकंड नेम चोपड़ा। फादर्स नेम कुछ भी डाल दीजिए, सलमान। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली वही डालना है जो आपके पैन कार्ड पे है। ओके, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस के बाद गाइस मेल, फीमेल, जेंडर, ऑब्वियसली जो जो रेड है ऑब्वियसली आपको पता होगा ये मैंडेटरी फील्ड होते हैं। जो जो नहीं आप नहीं डालेंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एटलीस्ट जो जो रेड है हम वो डालेंगे। तो गाइस यहाँ पे आता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में हम डाल सकते हैं प्रोप्राइटर, ठीक है,
सॉरी ओके, तो प्रोप्राइटर डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर एक नंबर होता है, अगर आपके पास होगा तो आप डाल सकते हैं, वरना मैंडेटरी नहीं है। उसके नीचे आता है सो उसके गाइस, उसके बाद आता है पैन कार्ड, ये पैन नंबर है ठीक है। पासपोर्ट नंबर ज़रूरत नहीं, अगर डालना है तो डाल दीजिए ठीक है, ये आपको डालना है, येस करना है। यहाँ पे आपका पर्सनल एड्रेस आएगा, पर्सनल एड्रेस मीन्स जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है ठीक है, प्रोप्राइटरशिप का जो एड्रेस है वो आपको डालना पड़ेगा। चलिए हम फिलहाल कुछ भी डाल देते हैं। तो गाइस देखिए, हमने कुछ भी एड्रेस डाल दिया, जो मैंडेटरी नहीं था हमने वो नहीं डाला, बट आपको डालना होगा एग्जैक्टली, बिकॉज ये सब आप जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो उससे वेरीफाई होगा ओके। तो उसके बाद नीचे आते हैं, अब यहाँ पे गाइस लास्ट चीज़ होती है आपका फ़ोटो होता है ठीक है, आपका पैन कार्ड पे और यहाँ पे आपका फ़ोटो मैच होना चाहिए ओके। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कंडीशन है, फर्स्ट ये जेपेग में होना चाहिए एंड सेकेंड ये 100 KB के अंडर होना चाहिए। हम अपलोड करके दिखाते थे कुछ भी, तो गाइस हमने अभी फ़िलहाल ऐसे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ का आपको ये मैंडेटरी करना है ठीक है, पर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आप खुद ही ऑथराइज सिग्नेटरी हो ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे आप ये कर देते हो ना गाइस, तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी डिटेल आपने डाली है ये ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड है, बिकॉज आपने बोला कि आप अकेले हो ओके, तो खुद ही आप ऑथराइज हो। अगर यहाँ पे अगर आपको किसी और का नाम डालना है, किसी और की डिटेल डालनी है और आपको बोलना है कि वो भी यू नो इस चीज़ में एडिट कर सकते हैं, तो आप उनका नाम डिटेल ईमेल एड्रेस सब कुछ डाल सकते हो ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है, आपको इस पर टिक करना है प्राइमरी ऑथराइज, बिकॉज आप अपने आप को प्राइमरी बना रहे हो। अगर आप अकेले हो जो हैंडल कर रहे हो तो इसी को सिलेक्ट कीजिएगा ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये तीन सबसे मेन हो गए, ये कुछ नहीं है गाइस, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे करना है ठीक है। अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है गाइस, तो गाइस यहाँ पे वो एड्रेस आएगा जो आपके रेस्टोरेंट का है या फिर आपके घर का है, ई कॉमर्स के लिए जो भी चीज़ के लिए, जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है वो आपको यहाँ डालना है आपके डॉक्यूमेंट से मैच किया हुआ। नीचे आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे हम ठीक है। सो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, GST में एड्रेस जो है स्विगी जोमेटो ये लोग पूरा वेरीफाई करते हैं कि आपका एड्रेस वही है कि नहीं ठीक है गाइस, GST FSSAI में कि आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्रॉपरली सेम एड्रेस डालें। हम अभी फ़िलहाल कुछ भी एड्रेस डाल के आपको आगे प्रोसीड करके दिखाते हैं। यहाँ पे डालने के बाद गाइस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंडेटरी नहीं है कुछ भी, तो जो जो फ़िलहाल मैंडेटरी नहीं हमने वो सेम चीज़ नहीं डाली है, ये आपके पास आप होना ज़रूरी है कि आप कौन से आपका कौन सा वर्ड है ठीक है। हमें पता है आपको ये गूगल से मिल जाएगा ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लोग ने आपको दिया है ये लिंक पे क्लिक करके आप अपना ज्यूरिसडिक्शन चेक कर सकते हो ठीक है। उसके बाद आप जैसे आप ये सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे ये आपको आपका वार्ड डिवीजन और रेंज पूछता है, ये आपको यहाँ से पूरा मिल जाएगा गाइस ठीक है। हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे तो इसलिए हम आपको ये नहीं दिखा रहे, बिकॉज सबका दिखा के भी मतलब नहीं है गाइस, सबका अपना अलग अलग यू नो डिवीजन होगा और रेंज सब कुछ अलग अलग होगा ठीक है। उसके बाद गाइस मोबाइल नंबर आ गया हमारा ओके, मोबाइल नंबर के बाद ईमेल एड्रेस है, अगर आपका याद रखना है गाइस यहाँ पे आप चाहे तो अपना ऑफिस ईमेल एड्रेस अलग रख सकते हो, आपने जो पहले डाला था वो आपका पर्सनल ईमेल था, यहाँ पे जो आप डालोगे ये अपना ऑफिशियल डाल सकते हो, आपके रेस्टोरेंट का ईमेल आईडी है, जो भी ई कॉमर्स जो भी आपका ईमेल आईडी है पर्सनल का, पर्सनली प्रोफेशनल का बिजनेस का वो आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है मेन चीज़ गाइस, आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट होता है ऑब्वियसली वो होगा गाइस पोजेशन का, मतलब आप जो आपकी जो शॉप है जो भी चीज़ है आपकी ठीक है ओके, आपकी लोकेशन आपकी खुद की है रेंटेड है लीज पे है जो भी है आपको वो डालना होगा, और इसके बेसिस पे आपको उसका डॉक्यूमेंट डालना होगा ठीक है। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट आपको डालना ही होगा ठीक है। देखिए रेंटेड है बिकॉज यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डालते हो तो ज़्यादा करके केसेस में वो लोग आपको आपके एप्लीकेशन के बाद आपको पूछते हैं ओके, मतलब आपको सबमिट करना ही पड़ता है एज़ पर न्यू रूल ठीक है। अगर आपकी खुद की है तो वेल एंड गुड ठीक है, खुद की है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल के आप ख़त्म कर सकते हो। अगर आपके रेंटेड है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ में आपको रेंट एग्रीमेंट डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे सबसे गाइस मैंडेटरी है, वो आपको बाद में पूछेंगे
इलेक्ट्रिसिटी बिल यू नो अटैच करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आपने अगर कुछ रेंट पे लिया है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा ही होगा, गारंटीड होगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए मैं इसको कुछ भी फ़िलहाल डाल देता हूँ। तो मैं गाइस मैंने डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो और भी चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है, रेंटेड में सिलेक्ट करके अगर आप चाहे तो यू नो रेंट एग्रीमेंट डाल के सिलेक्ट करके आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। जितना मैक्सिमम डालेंगे उतना अच्छा रहेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ डाल दें आप, ठीक है, वैसा भी नहीं होता है। लास्ट जो चीज़ होती है गाइस वो होती है आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट अबव मेंशन, मतलब आपका किस तरीके का आपका बिजनेस है गाइस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी आपका है आपके हिसाब से आपको वो दान यहाँ पे डालना होगा। अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पर ऐसा तो आप अदर्स में यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, ओके। सो अगर आप सप्लायर्स हो कोई सर्विसेज के, ये सर्विसेज है गुड्स नहीं है, आपको याद रखना है, सर्विसेज अलग होता है गुड्स अलग होता है, ओके। ये रिटेल बिजनेस है, अगर आप ई कॉमर्स है तो आप रिटेल बिजनेस में क्लिक करके आप कर सकते हो गाइस, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारा रेस्टोरेंट है तो हम यहाँ पे अदर्स में करके रेस्टोरेंट लिख देंगे। आपका जो भी है गाइस आपको उसके हिसाब से रखना होगा। तो गाइस ये हैव एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस मीन्स अगर आपके पास कोई अगर आपके पास दो लोकेशंस है गाइस, ओके, तो आप वो भी एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो, बट मत कीजिए अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम। तो गाइस सेव एंड कंटिन्यू के बाद हमारा ऑलमोस्ट हो गया है पूरा, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम वापस, ओके। अभी यहाँ पे आता है गाइस ये एच एस एन कोड, ओके। अभी एच एस एन कोड एक्चुअली डिसाइड करता है कि आपका ये जो भी आप जो बेच रहे हो सर्विसेज या गुड्स वो कितने परसेंटेज का जीएसटी होगा, ओके, वो कमोडिटी कितने परसेंटेज की होगी, ओके। अभी आपको एच एस एन कोड के लिए गाइस आप गूगल में जा सकते हो, आपको दिखा देते हैं। आपको गाइस अभी सिर्फ इतना करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको एच एस एन कोड लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लीजिए जैसे कि एच एस एन कोड फॉर, अगर मैं लिखूँगा मैं फिश का बिजनेस करता हूँ फिश, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए 302 0302 फिश फ्रेश और चिल्ड एक्सक्लूडिंग ये सब, ठीक है। इसमें आप क्लिक करेंगे एच एस एन कोड्स और रेट्स, ये आपको पूरा डिटेल देगा, ठीक है। ये देखिए इंडिया फाइलिंग में ये पूरा आपको एच एस एन कोड की पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये लेफ्ट साइड में जो कोड्स है आपको वो हिसाब से देख के आपको गाइस डालना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको आपको दिखाना पड़ेगा आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ओके। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए गाइस देखिए मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, मैं ट्राई करता हूँ, मैं सेव एंड कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ओके, आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। एच एस एन कोड में आपको एक चीज़ बता देता हूँ अभी से गाइस, तो आप एच एस एन कोड में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है गाइस, आपका गुड्स है तो गुड्स, सर्विसेज है तो सर्विसेज, तो आपका गुड्स है तो आप गुड्स में क्लिक कीजिए, सर्विसेज है तो सर्विस में क्लिक कीजिए, ठीक है। आपको टॉप 5 डालने हैं, ओके, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू होता है, जैसे मैंने कहा ये ब्लैंक रहेगा। ये हो गया आपका ऑलमोस्ट पूरा हो गया गाइस, यहाँ पे आपको आपका जो मेन डिटेल है वो आपको दिखाएगा और यहाँ पे आपको बोलेगा कि डू वॉन्ट टू ऑफर आधार, ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत बहुत बेटर होगा। ऑब्वियसली सबका आधार कार्ड तो है ही, तो आपको येस करके अपने आधार से ही इसको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। ये देखिए गाइस हम लोग अपने लास्ट स्टेज में हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेज है, ओके। इसके बाद मैं अगर सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ तो ये मेरे आधार में मुझे बोलेगा गाइस, ठीक है, जो कि मेरा आधार ऑथेंटिकेट करेगा। मैं नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज मेरा ऑलरेडी है जीएसटी रजिस्टर, ठीक है, तो मैं नहीं कर सकता। मैं आपको फ़िलहाल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको मुंबई, आप जो भी आप सिटी से हो वो सिटी आपको डालनी है, ठीक है, और ये आपको ये आप लिख रहा है डीएससी, जो मैंने आपको बोला था ये कंपनीज और एलएलपी के लिए होता है, ओके, डायरेक्टर नंबर होता है एक तरीके का, ठीक है। तो उसके बाद आपको ईवीसी पे करना है गाइस, ठीक है, सबमिट और डीएससी जो मैंने आपको दिखाया था डायरेक्ट नंबर हो, पर वो सिर्फ कंपनीज को मिलता है, ओके। हम इंडिविजुअल्स के लिए गाइस ये सबमिट विद ईवीसी है, तो हम ईवीसी करूँगा, जैसे मैं ईवीसी करके सबमिट करूँगा एक ओटीपी आएगा, ओटीपी करते सबमिट हो जाएगा गाइस, और फिर गाइस आपका ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट देखिए गाइस, मैंने सबमिट कर दिया, ये आ गया सक्सेस फॉर सबमिटिंग, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके ईमेल पे आपको जाना है। तो गाइज उसके बाद होता क्या है गाइज, आपको यहाँ पे शायद एक ईमेल आएगा यहाँ पे, ओके, जहाँ पे आपको वो आधार को वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप वो आधार को वैलिडेट कर देते हैं आपका ये पूरा प्रोसेसिंग पे चला जाएगा। बट आई एम श्योर कि यहाँ पे जब ये सबमिट हो गया है, हमको जो OTP ऑलरेडी आया था वो आधार की तरफ से आ चुका था। बट हो सकता है कि आपको वापस से एक ईमेल आए। ठीक है, फिलहाल तो अभी तक आया नहीं है, बट इसको काफ़ी टाइम लगता है गाइस। ठीक है, तो आपको गाइस एक बार ये ज़रूर चेक करना है, एटलीस्ट नेक्स्ट डे पे चेक कीजिएगा। अगर आप सेम डे पे नहीं चेक कर पा रहे हैं हाफ एन आवर बाद, तो नेक्स्ट डे पे एक बार चेक कीजिएगा आपको कोई ईमेल आया कि नहीं आया। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप गाइस जो है GST में अप्लाई कर सकते हो आराम से घर बैठे बैठे, वो भी फ्री में। आपने खुद ने देखा हमने कोई चार्ज नहीं भरा है, ये बिल्कुल फ्री है गाइस। ठीक है, अब आपको करना इतना होगा गाइस, जब भी आपको चेक करना होगा कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पर पहुँचा है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे खुद हमको एक ARN मिलेगा गाइस। ठीक है, वो ARN से ही हम चेक कर पाएंगे, वो ARN हमको ईमेल पे मिलेगा। वो ARN के थ्रू आप अपना जो है GST का वो चेक कर सकते हैं। देखिए आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो गाइस यहाँ से आपको करना है, आपको सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाना है। एक बार आप यहाँ चले जाएंगे, ओके, तो गाइस यहाँ पे फिलहाल आपका कोई एप्लीकेशन ट्रैक नहीं कर रहा है यहाँ पे, ओके, आपका लॉग इन है ऑलरेडी। ठीक है, तो जैसे आपका ARN जनरेट हो जाएगा यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का दिखेगा। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप जो है आराम से गाइस सब कुछ मैनेज कर सकते हो गाइस। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे गाइस। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वरना प्लीज़ डिसलाइक कीजिएगा।